वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। पेपर हैकर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर बीएससी पार्ट वन सेमेस्टर फर्स्ट के लिए केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो सभी हम आपको यहाँ पर कराएंगे, ठीक है। तो कहीं और से बाहर से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सभी क्वेश्चन हम यहाँ से आपको कवर करा देंगे। जैसा कि अब तक हमने दो क्वेश्चन करवा दिए, पहला और दूसरा, ठीक है। पहला क्या था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा क्या था हमारा? वैन डेर वाल्स बल क्या होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा आज का आणविक कक्षीय सिद्धांत। आणविक कक्षीय सिद्धांत यानी कि इसको MOT क्या कहते हैं? MOT मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT ये लिख के आपको दे देगा। आणविक कक्षीय सिद्धांत ना हो सकता है, आपको सीधे कह दे MOT की व्याख्या कीजिए या MOT को विस्तार में समझाइए। इसको कहते हैं व्हाट इज मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, या मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी भी इसी को कहते हैं, ठीक है, MOT। या आपसे पूछ सकता है, कह रहा है आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत समझाइए और सिग्मा पाई बंध का निर्माण बताइए, यानी कि एक्सप्लेन मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड क्लेरिफाई सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल, ठीक है। चलिए बात करते हैं, सिग्मा पी बॉन्ड, सॉरी ऑर्बिटल नहीं, सिग्मा और पाई बंध का निर्माण पूछ रहा है। चलिए शुरू करते हैं हम ऑर्बिटल सिद्धांत, मॉलिकुलर ऑर्बिटल सिद्धांत, आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत क्या कहता है? ये कह रहा है संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए यह सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। संयोजकता बंध BBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसी अणु की मतलब पूरी तरह से उसको परिभाषित नहीं कर पाए, पूरी तरह से उसके सभी जितने भी गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं किसी भी अणु में, उन सभी को पूरी तरह से वो परिभाषित नहीं कर सके। इसीलिए वैज्ञानिक आए जिन्होंने कहा, जो हुंड और एक थे मुलिकन, हुंड और मुलिकन, इन दोनों ने क्या करा था 1932 में एक थ्योरी डिस्कवर की जिसका नाम रखा गया था आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत, यानी कि MOT जिसे कहते हैं। यह सिद्धांत परमाणुवीय कक्षकों के रेखीय संयोजन पर आधारित है। परमाणु कक्षक, किसी परमाणु में कक्षक होते हैं SPD जिसको हम पढ़ते थे, ठीक है, इन्हीं परमाणुवीय कक्षकों के रेखीय संयोजन पर, ठीक है, इनको आपस में जोड़ दिया जाता है, तो जो नया हमारा और जो नया हमारा ऑर्बिटल बनता है उसी को हम कहते हैं आणविक ऑर्बिटल, यानी कि आणविक ऑर्बिटल, मॉलिकुलर ऑर्बिटल इस पर आधारित है। कह रहा है इन दोनों सिद्धांतों में प्रमुख अंतर यह है कि संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार, जो हमारा BBT था उसके अनुसार, केवल वे इलेक्ट्रॉन अपनी पहचान खो देते हैं जो आबंध बनाने में भाग लेते हैं। तो BBT ने क्या कहा था, BBT और MOT इन दोनों में अंतर क्या है? इसके अनुसार जो हमारा मुख्य अंतर इनमें है वो क्या है, केवल यह है कि जो वो इलेक्ट्रॉन अपनी पहचान खो देते हैं जो बंध बनाते हैं, यानी कि बंध बनाने में जो इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे वो इलेक्ट्रॉन अपनी पहचान खो देते हैं। अतिव्यापन होने वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन दो नाभिकों के बीच में स्थापित रहते हैं। मान लो दो ऑर्बिटल हमारे क्या कर रहे हैं, अतिव्यापन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, दोनों ऑर्बिटल के बीच में, ठीक, कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे दोनों के इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन दोनों के केंद्रों के बीच में आ जाएंगे, ठीक, कहाँ आ जाएंगे, नाभिकों के बीच में स्थापित हो जाएंगे। ये इसका नाभिक है और ये इसका नाभिक है, यहाँ पर दोनों के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जबकि अणु कक्षक सिद्धांत के अनुसार, अणु कक्षक सिद्धांत क्या कहता है, इनके अनुसार अणु वाले परमाणुओं के सभी परमाणुवीय कक्षक एक दूसरे से मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं, यानी कि अणु में जितने भी परमाणु होते हैं वो एक दूसरे से मिलकर क्या बनाएंगे, आणविक कक्षक बना लेते हैं, ठीक है, जिनमें संयोजन होने वाले परमाणुओं के सभी इलेक्ट्रॉन दोनों नाभिकों के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अर्थात संयोजन होने वाले जितने भी परमाणु होंगे और उनके जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ होंगे, दोनों नाभिकों के चारों ओर चक्कर लगाते रहेंगे, ठीक है। अर्थात कह रहा है बंधित परमाणुओं के ऑर्बिटल अपनी पहचान खो देते हैं, जिन परमाणुओं के ऑर्बिटल बंधित हो जाते हैं यानी कि बंध बना लेते हैं वो अपनी पहचान को खो देते हैं। कह रहा है जबकि BBT संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं के शेष ऑर्बिटल अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, जो बंध बना लेते हैं उनकी पहचान खो जाती है और बकाया जो बचे हुए ऑर्बिटल्स होते हैं वो अपनी पहचान ज्यों की त्यों बनाए रखते हैं। MOT क्या कह रहा है, MOT के अनुसार
अणु के इलेक्ट्रॉन बहुनाभिकीय कक्षकों में विद्यमान रहते हैं। भाई जब अणु होगा तो उसमें बहुत सारे परमाणु होंगे, तो बहुत सारे परमाणुओं के नाभिक होंगे, तो वही लिखा है कि बहुनाभिकीय कक्षकों, बहुनाभिकीय कक्षकों में विद्यमान रहते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बिंदुओं के बारे में, कौन कौन से इसके बिंदु हैं। ठीक, नंबर एक फर्स्ट है हमारा, कह रहा है जब दो परमाणु एक दूसरे के काफ़ी निकट आते हैं तब इनके परमाणवीय ऑर्बिटल यानी कि परमाणुओं के जो ऑर्बिटल होते हैं वो एक दूसरे के साथ अन्योन क्रिया यानी कि इंट्रैक्शन जैसे कहते हैं, ठीक है, आकर्षण करके करके आणविक ऑर्बिटल बनाते हैं। तो आणविक ऑर्बिटल कैसे बनता है, जब दो परमाणुओं के जो कक्षक होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, वो एक दूसरे के पास में आ जाते हैं। पास में आने के बाद क्या करते हैं, वो एक परमाणुीय ऑर्बिटल दूसरे परमाणुीय ऑर्बिटल के साथ में, ठीक है, एक परमाणु हमारा ये है, पहले परमाणु का ऑर्बिटल, दूसरे परमाणु का ऑर्बिटल ये है, तो ये आपस में क्या करते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं, अन्योन क्रिया करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को पकड़ लेते हैं यानी कि उसके पास में चले जाते हैं, जिससे हमारा जो अगला ऑर्बिटल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आणविक ऑर्बिटल कहते हैं, यानी कि आणविक ऑर्बिटल का ये निर्माण करते हैं। अणु में आणविक ऑर्बिटलों के निर्माण के बाद परमाणुओं के परमाणवीय ऑर्बिटल अपनी निजी पहचान खो देते हैं या पूर्ण रूप से खो देते हैं। तो भाई जो हमारे परमाणुओं की पहले पहचान थी, परमाणु के जो ऑर्बिटल थे उनको हम कहते थे कि ये परमाणु का ऑर्बिटल है, लेकिन जब वो आपस में अतिव्यापन करके एक नया ऑर्बिटल बना लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं कि वो अणु का ऑर्बिटल है, तो वहाँ पर परमाणु अपनी जो पहचान है वो पूरी तरह से खो देते हैं। हम किसको पढ़ते हैं फिर, अणु का ऑर्बिटल पढ़ते हैं, ठीक है, परमाणु का नहीं पढ़ते हैं। ये था पहला। दूसरा हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है अणुओं में उसके इलेक्ट्रॉन नए ऑर्बिटलों में विद्यमान रहते हैं। भाई अणु बनेगा तो नए नए हमारे ऑर्बिटल बनेंगे, उन्हीं में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उन्हीं में विद्यमान रहेंगे, ठीक है। कह रहा है जिन्हें जिन्हें आणविक ऑर्बिटल कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आणविक ऑर्बिटल कहते हैं, ये परमाणवीय ऑर्बिटलों के समान, जिस तरह से हम परमाणवीय ऑर्बिटल को प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, एस पी डी और एफ, परमाणु ऑर्बिटलों के समान यानी कि हम इसको एस पी डी एफ से परमाणु के ऑर्बिटल को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसी की तरह चार क्वांटम संख्या हैं जिनको हम कहते हैं एन एल एम और एस, ये होता है स्पिन क्वांटम, एन जो होता है वो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम संख्या होती है, ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या। एल हमारी होती है एजीम्यूथल क्वांटम संख्या, जिसे हम कहते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। एम हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, ठीक है, चुंबकीय। एस क्या होता है, स्पिन, ये इलेक्ट्रॉनों के स्पिन को बताता है, के द्वारा परिभाषित करते हैं। तो ये तो हो गया सेकंड। ये थर्ड हमारा क्या कह रहा है, आणविक ऑर्बिटल किसी परमाणु विशेष से संबंध नहीं रहते हैं, जो भी हमारा आणविक ऑर्बिटल होगा वो किसी अन्य परमाणु के साथ संबंध नहीं रहेगा, मतलब कि अन्य परमाणु से नहीं जुड़ा रहेगा, बल्कि कह रहा है बल्कि ये तो अणु का निर्माण करने वाले सभी परमाणुओं के नाभिकों के साथ समान रूप से संबंध रहते हैं। अब अणु परमाणुओं ने मिलकर क्या बना लिया, अणु, तो अणु किसी अन्य परमाणु के साथ संबंध नहीं रहेगा, बल्कि ये क्या करेगा, अणु का निर्माण करने वाले जितने भी परमाणु हैं उनके नाभिकों के साथ में समान रूप से संबंध रहेगा, ठीक है, सभी परमाणुओं के नाभिकों के साथ में समान रूप से संबंध रहेगा। कह रहा अणु में विभिन्न परमाणुओं के नाभिक बहुकेंद्रीय नाभिक के समान व्यवहार करते हैं। भाई अणु में बहुत सारे परमाणु थे तो बहुत सारे परमाणुओं के नाभिक होंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बहुकेंद्रीय नाभिक के समान अणु जो है व्यवहार करता है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं फोर्थ, हमारा फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, फोर्थ हमारा कह रहा है आणविक ऑर्बिटलों का निर्माण लगभग समान ऊर्जा के परमाणविक ऑर्बिटलों के संयोग से होता है। जो हमारा आणविक ऑर्बिटलों का निर्माण होगा वो किससे होगा, समान ऊर्जा के हमें क्या चाहिए, परमाणुओं के ऑर्डर यानी कि सॉरी परमाणुओं के ऑर्बिटल, परमाणु के जो ऑर्बिटल होंगे उनकी ऊर्जा कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मानो अगर ये एस ऑर्बिटल है हमारा, ये एस है तो ये भी कैसा होना चाहिए, एस होना चाहिए, इनकी ऊर्जा कैसी होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, तभी ये आपस में अतिव्यापन करके क्या बना लेंगे, एक आणविक ऑर्बिटल बना लेंगे, ठीक है, इसको हम कहेंगे एम ओ आणविक ऑर्बिटल, ठीक। अगला हमारा पॉइंट कह रहा है फिफ्थ, कह रहा है आणविक ऑर्बिटलों की संख्या इनको बनाने वाले परमाणवीय ऑर्बिटलों की संख्या के बराबर होती है। जो हमारा आणविक ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है, मान लो हमारा आणविक ऑर्बिटल ये बन गया, ये किससे बना है, ये ऑर्बिटल एक है हमारे पास एस प्लस, दूसरा ऑर्बिटल हमारे पास ये एस है,
मान लो दो एस ऑर्बिटल आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, एक आण्विक ऑर्बिटल बना रहे हैं, तो भी जो आण्विक ऑर्बिटल बनने की संख्या होगी वो किसके बराबर होगी, जितने हमारे पहले ऑर्बिटल थे, ठीक है, जितने हमारे परमाणु के ऑर्बिटल थे, कितने हैं यहाँ पर, एक दो, दो दो हमारे पास ऑर्बिटल हैं किसके, परमाणु के, तो जो आण्विक ऑर्बिटल बनेगा उसमें भी कितने होंगे, दो ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, तो ये कह रहा दोनों की संख्या बराबर होती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो कह रहा दो परमाणवीय ऑर्बिटल यानी कि परमाणु के ऑर्बिटल आपस में संयोग करके दो आण्विक ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं। दो परमाणु ऑर्बिटल आपस में संयोग करेंगे तो कितने आण्विक ऑर्बिटल बनेंगे, दो ऑर्बिटल बनेंगे, जिनमें जिनमें से एक कम ऊर्जा वाला होता है, एक की एनर्जी कम होगी, ठीक है, जिसे बंधी आण्विक ऑर्बिटल कहते हैं, और दूसरा उच्च ऊर्जा वाला होता है, यानी कि दूसरा जो ऑर्बिटल बनता है उसकी ऊर्जा कैसी होती है, पहले वाले से कुछ ज़्यादा होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, प्रतिआबंधी आण्विक ऑर्बिटल। तो जिसकी ऊर्जा कम होगी उसे हम क्या कहेंगे, बंधी बंधी और आवन सॉरी बंधी आण्विक ऑर्बिटल, और जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिबंधी या अनाबंधी कहते हैं, ठीक है। तो माना जैसे अगर हम बात करें, ये हमने ले लिए दो ऑर्बिटल, ठीक है, एक ऑर्बिटल प्लस दूसरा ऑर्बिटल, ये एस ये एस, अब इनसे कितने बनेंगे, दो बनेंगे, एक ऑर्बिटल ये बन जाएगा हमारा और दूसरा ऑर्बिटल ये बन जाएगा। तो ये लाइन जो होती है वो ऊर्जा को दर्शाती है, किसको दर्शाती है, एनर्जी गैप को दर्शाती है। तो मान लो इसकी ऊर्जा कम है और इसकी ऊर्जा ज़्यादा है, तो जिसकी ऊर्जा कम होती है वो अधिक स्थायी भी होता है, ये ध्यान रखना है, जिसकी ऊर्जा कम वो अधिक स्थायी होगा और जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है वो कम स्थायी होता है, यानी कि गतिशील रहता है, ठीक है, इसकी ऊर्जा अधिक होती है तो ये स्थायी कम होता है, ऊर्जा कम स्थायी ज़्यादा, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट, अर्थात इनमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, भाई हमने देखा था परमाणुओं के कक्षक में इलेक्ट्रॉन भर रहे थे ना, हुंड के नियम के अनुसार, पाउली के नियम के अनुसार, ये सभी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, हुंड का नियम, पाउली का नियम, तो इन सभी के अनुसार हमने क्या करा था, इलेक्ट्रॉनों को भरा था परमाणु कक्षक में। लेकिन हम बात करें आणविक कक्षक की, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों को भरने का नियम क्या रहता है, कह रहा है इलेक्ट्रॉनों का भराव यानी कि इलेक्ट्रॉनों को भरना आण्विक ऑर्बिटलों की बढ़ती हुई ऊर्जा क्रम में होता है। जैसे कि हम परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन भरते थे, उसमें भी हम इसी हिसाब से भरते थे कि उनके जो ऑर्बिटल हैं उनमें बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में हम इलेक्ट्रॉनों को भरते थे। तो यहाँ पर भी भाई क्या होगा, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, आण्विक ऑर्बिटलों की बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरेंगे। पहले हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे कहाँ, जिस आण्विक ऑर्बिटल की ऊर्जा कम होगी वहां पर हम पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद जिसकी उससे ज्यादा ऊर्जा होगी वहां इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट में जाएगा, कब, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचे होंगे तब, ठीक है, पहले हमको सबसे कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में ही भरना है। तो इनका क्रम क्या होता है, कह रहा तथा सबसे कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल से प्रारंभ होता है, इलेक्ट्रॉनों का भरना कहाँ से प्रारंभ होता है, सबसे कम ऊर्जा वाले में, ये क्रम प्रायः कुछ इस तरह से चलता है, सिग्मा वन एस, पहले हम क्या पढ़ते थे वन एस और टू एस, अब यहाँ पर क्या आ गया, सिग्मा, ठीक है, ये सिग्मा क्या है, ये ऑर्बिटलों के कक्षक को डिनोट करता है, ऑर्बिटलों के कक्षक को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि एस पी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, परमाणु कक्षक को, परमाणुओं के कक्षक को, इसी तरह से सिग्मा पाई और डेल ये सभी आण्विक कक्षक को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बनेस हो जाएगा, उसके बाद सिग्मा स्टार बनेस, फिर टू एस, सिग्मा स्टार टू एस, सिग्मा टू पी, ये इसकी ऊर्जा देखोगी, ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आएगा हमारा टू पी एक्स बराबर पाई टू पी बाई, तो ये जो हमारा होता है पाई टू पी एक्स और पाई टू पी बाई, इन दोनों की ऊर्जा लगभग लगभग बराबर होती है, ठीक है, ठीक इसी तरह से पाई स्टार टू पी एक्स, सॉरी यहाँ पर एक्स है, क्या है, एक्स, पाई स्टार टू पी एक्स बराबर पाई स्टार टू पी बाई, तो इन दोनों की ऊर्जा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वालों की दोनों की ऊर्जा कैसी होगी, बराबर होगी, लास्ट में हमारा क्या आ गया, सिग्मा स्टार टू पी जेड, ठीक, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में यही बताएंगे कि किस तरह से हम इसके इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं और इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखते हैं। सेकंड हमारा कह रहा है, दूसरा कह रहा परमाणवीय ऑर्बिटल के समान एक आण्विक ऑर्बिटल में अधिक से अधिक दो इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। जिस तरह से परमाणु ऑर्बिटल में हमने देखा था कि एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उसी तरह से आण्विक कक्षकों में भी दो इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं या दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है समान ऊर्जा के आण्विक
ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का भराव पूर्ण रूप से तब तक नहीं होता है जब तक कि ऐसे सभी ऑर्बिटलों में एक-एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं कर जाता है। जब तक जितने समान ऊर्जा के हमारे ऑर्बिटल होंगे, ये क्या कह रहा है, कह रहा है समान ऊर्जा के आण्विक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का भराव पूरी तरह से जब तक नहीं हो जाता है, जब तक कि सभी कक्षकों में एक-एक इलेक्ट्रॉन हमारा भर नहीं जाता है समान ऊर्जा के, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मान लो हमने ये क्या ले लिया, कोई हमारे पास अणु है, ठीक है, ऑक्सीजन का अणु ले लो, ठीक है, तो ये कोई हमारे क्या ले लिया, परमाणु। भाई ऑक्सीजन के अणु में दो परमाणु हुए, एक ऑक्सीजन का और दूसरा ऑक्सीजन का, तो इनमें से एक का परमाणु ये ले लिया और दूसरे का हमने क्या ले लिया, ये। तो परमाणु ऑर्बिटल, ए का परमाणु ऑर्बिटल इधर को क्या दर्शा रहा है, ये यहाँ से ऊपर को ऊर्जा दिखाई दे रही है, ठीक है, आपकी जितना ऊपर को जाएगा ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा, नीचे ऊर्जा कम ऊपर ज़्यादा, तो ये लाइन हमारी किसको डिनोट कर रही है, ऊर्जा को, ठीक है, ये लाइन क्या बता रही है, ऊर्जा। अब देखो दोनों परमाणु है हमारे पास, दोनों की ऊर्जा कैसी है, लगभग लगभग समान है, दोनों की ऊर्जा कैसी है, समान है। ये परमाणु ए है, ये परमाणु हमारा बी का ऑर्बिटल है। तो अब देखो यहाँ से इस परमाणु में मान लो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे बाहरी कोश में और इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे बाहरी कोश में, ये आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पहुँच जाएगा और बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच, जो जो नीचे इलेक्ट्रॉन हमारे होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, ए बी अणु के आण्विक ऑर्बिटल, ए बी, ठीक है, एक ए का और दूसरा किसका आएगा, बी का, इन दोनों परमाणु के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, ठीक है, इसलिए ए बी अणु के आण्विक ऑर्बिटल जिसको हम बी कह रहे हैं। तो इस वाले को हम क्या कहते हैं, इस वाले भाग को क्या कहते हैं, आबंध आण्विक ऑर्बिटल, यानी कि ये बंध बना रहा है, इसको आबंध कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाला हमारा जो होता है इसको हम कहते हैं प्रति आबंध आण्विक ऑर्बिटल, ये इसके अपोजिट होता है, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल जिसे हम कहते हैं प्रति आबंध आण्विक ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस तरह से होगा, इसी तरह से होता है, दो परमाणु हमने ले लिए, ठीक है, इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन और इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन, इनको हम भरते जाएंगे। यहाँ पर हमें एक एक कक्षक लेना है, अगर हमने पी के इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं इस वाले ऑक्सीजन के, तो इसके भी पी के इलेक्ट्रॉन लेने हैं, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन इसके पी में होंगे उतने ही इसके पी में होंगे, तो वो सभी आपस में एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है परमाणवीय ऑर्बिटलों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त वर्ण, इनमें परमाणुओं के ऑर्बिटलों को हम किस तरह से व्यक्त करते हैं, एस पी डी, और आण्विक कक्षकों को ग्रीक अक्षर जैसे सिग्मा पाई और डेल्टा आदि से व्यक्त किया जाता है। तो ये सिग्मा पाई है, ये क्या बता रहा है, आण्विक कक्षकों को बता रहा है, ठीक है। अब कह रहा है आण्विक कक्षकों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ एमओटी, टाइप्स ऑफ एमओ मॉलिकुलर ऑर्बिटल, आण्विक कक्षकों के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला हमारा है बंधी आण्विक कक्षक, जिसे हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, तो ये वही होंगे जो बंध बनाते होंगे, ठीक है, जैसा कह रहा है ये वे कक्षक हैं जिनकी ऊर्जा अति व्यापन में भाग लेने वाले सभी परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है। ये वे हमारे कक्षक होते हैं जिनकी ऊर्जा क्या होती है, अति व्यापन में भाग लेने वाले परमाणु के कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है। इनकी ऊर्जा कैसी होगी, कम होगी, ठीक है, इन्हीं को हम कहते हैं बंधी, जैसे हमने अभी ऊपर देखा था। परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन केवल एक नाभिक से आकर्षित रहते हैं, परमाणु कक्षकों में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उसी नाभिक के अंदर आकर्षित रहेंगे, जबकि आण्विक कक्षकों में वे एक से अधिक नाभिकों द्वारा एक साथ आकर्षित रहते हैं। भाई अणु बन गया तो उसमें बहुत सारे परमाणु होंगे, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, तो उन सभी परमाणु के द्वारा आकर्षित हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। कह रहा आकर्षण बढ़ने के कारण स्थितिज ऊर्जा घट जाती है, जब आकर्षण बढ़ेगा तो उनकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी कि वो और गतिशील हो जाएंगे और वे बंध बनाने लगते हैं, और इस कारण उनमें क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, बंध बनाने लगते हैं, अर्थात कह रहा है बंध बनाने में सहायक होते हैं, यानी कि बंध बनाने में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इन्हीं कक्षकों या ऑर्बिटलों को बंधी आण्विक ऑर्बिटल कहते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, बंधी आण्विक ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है, या बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं, बीएमओ, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा था ये इस वाले को हम कहते हैं बीएमओ, बंधी आण्विक ऑर्बिटल। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा है आबंधी, यहाँ पर आबंधी लिखा है, सॉरी आबंधी होगा, आबंधी आण्विक
कक्षक यानी कि नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ये बंध नहीं बनाएंगे, क्या नहीं करेंगे, ये बंध नहीं बनाएंगे, ऐसे ऑर्बिटल होंगे जो बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे। कह रहा है इन कक्षकों की ऊर्जा बंध में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों के बराबर नहीं होती है, इनकी ऊर्जा कुछ ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, अथवा इनके बनने से तंत्र में स्थायित्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इनके बनने से जो हमारा तंत्र यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, अणु पढ़ रहे हैं, ठीक है, अणु का फॉर्मेशन, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। और ये कक्षक ना तो बंध बनाने के लिए अनुकूल होते हैं, बंध बनाने की अनुकूल परिस्थिति पैदा करते हैं, और ना ही प्रतिकूल, अर्थात ये बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, ये कक्षक अनाबंधी आण्विक कक्षक कहलाते हैं। तो इसको, ये जो अनाबंधी आण्विक कक्षक था, ये सीधी सी बात यह है कि ये बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, और इनकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कुछ ज़्यादा हो जाती है, मतलब बराबर रहती है, ठीक है, और ये बंध बनाने में नहीं भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, इतना याद रखना है आपको। थर्ड हमारा कह रहा है प्रति आबंधी आण्विक ऑर्बिटल, ये क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ये अभी हमने देखा था ऊपर, ये कहाँ गया, सॉरी, इसको ये ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, प्रतिआवंदी आण्विक ऑर्बिटल। पहले हमने ये पढ़ा था नंबर एक में, और दूसरे में हमने ये पढ़ा था, यहाँ पर कोई बॉन्ड फॉन्ड नहीं बनता, ये है हमारा थर्ड प्रतिआवंदी आण्विक ऑर्बिटल, ठीक है, तो इसकी हम बात करेंगे, प्रतिआवंदी आण्विक ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। इसमें क्या होता है, इसमें ये वे कक्षक होते हैं जिनकी ऊर्जा बंधन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से अधिक होती है। इनमें इसमें कौन से हमारे कक्षक होंगे, जिनमें परमाणुओं के कक्षक जो होते हैं उनमें भाग लेने वाले, सॉरी, अणु बनाने में जितने भी परमाणु के कक्षक भाग लेंगे उनकी ऊर्जा से कुछ ज़्यादा ऊर्जा होगी इनकी, ठीक है, इतना याद रखना है। और कह रहा है इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के आवासन से तंत्र की ऊर्जा में वृद्धि होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब वहाँ जाएंगे ऊपर हाई एनर्जी में, तो उसमें क्या होगा, इनके आने से तंत्र की ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, अर्थात हम कह सकते हैं कि तंत्र स्थायी हो जाएगा, तंत्र हमारा कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, स्टेबल हो जाएगा। अतः इलेक्ट्रॉन भरने पर बंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में तो उसको कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है, इससे इन पर क्या होगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, विपरीत बंधी आण्विक कक्षक, क्या कहते हैं, विपरीत बंधी आण्विक कक्षक, या इनको कहते हैं प्रतिआबंधी आण्विक कक्षक, या एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं, इनकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, सबसे ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। हम बात करते हैं सहबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट, अब देखो इसमें सहबंध होते हैं, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि सहबंध के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं सहबंध, तो सहबंध मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारा होता है सिग्मा बंध, दूसरा क्या होता है हमारा पाई बंध, यानी कि सिग्मा बंध और पाई बंध, तो दोनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे, पहले हम बात करेंगे सिग्मा बंध की, यानी कि सिग्मा बंध क्या होता है, जिसे हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं, सिग्मा बंध को सिंगल बॉन्ड कहते हैं। सिग्मा बंध रेखीय अथवा सम्मुख अतिव्यापन से बनते हैं, ये निम्न प्रकार प्राप्त किए जाते हैं, तो रेखीय आबंध जो हमारा सिग्मा बंध होगा वो कैसे बन जाएगा, या तो सम्मुख ओवरलैपिंग हो जाए, या कैसा हो जाए, उनमें रेखीय ओवरलैपिंग हो जाए, ठीक है, तो ये दो प्रकार से बनते हैं, सम्मुख या रेखीय अतिव्यापन से बनते हैं। तो पहले हम बात करेंगे एस एस ऑर्बिटल के अतिव्यापन से, किससे, एस एस ऑर्बिटल, जब एस एस ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करेंगे तो हमारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, किस तरह से बनेगा, यही हम बात करेंगे। पहले कह रहा ऑर्बिटल सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार के अतिव्यापन को हाइड्रोजन के अणु के बनने से समझाया जा सकता है, यानी कि हाइड्रोजन का अणु का निर्माण किस तरह से होता है, वो इसी तरह से होता है, ठीक है, इसी के उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं, किसको, ये सिग्मा बंध को। कह रहा है यहाँ दो हाइड्रोजन परमाणु के बीच एक एस ऑर्बिटल के अतिव्यापन से सहसंयोजक बंध बनता है, यहाँ हाइड्रोजन के कितने परमाणु होंगे, दो, और दोनों परमाणुओं को जो एस एक ऐसा ऑर्बिटल होगा, मान लो ये हाइड्रोजन परमाणु है हमारा, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1, यानी कि इसके इसके कक्षक में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो
तो एक इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि इसके पास ये कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो ये अधिक स्थायी होगा, ठीक है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, या इसके पास आ जाए या ये किसी को दे सकता है। तो ये दोनों के एस ऑर्बिटल हैं, ठीक है। ये आपस में क्या करेंगे, अतिव्यापन करेंगे, एक दूसरे के पास में जाएंगे। जब पास में जाएंगे तो इनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। और यही क्या बना लेंगे, एक बंध बना लेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर कर लेते हैं, एक बंध बना लेते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, सिग्मा बंध कहते हैं। तो ये बन गया हमारा बंध, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पर बंध बन गया। जैसे कि हमने पढ़ा था कि भाई जितने भी आणविक, जितने भी परमाणु ऑर्बिटल होते हैं उतने ही आणविक ऑर्बिटल होंगे। परमाणु के दो ऑर्बिटल हैं तो अणु का अणु बनेगा H2, उसके भी दो ऑर्बिटल होंगे, एक ये और एक ये। यहाँ पर इन दोनों में अतिव्यापन हो गया, ठीक है। इस वाले कंडीशन में पैरा हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अतः दोनों परमाणु के अर्ध पूरित ऑर्बिटल अतिव्यापन करने के लिए एक दूसरे के पास आते हैं। एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो दोनों चाहते हैं कि एक मुझे मिल जाए, एक मुझे मिल जाए, इसलिए दोनों क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं अपने इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है। इसलिए वो पास आते हैं। जब ये इतना पास आ जाते हैं कि इनकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम न्यूनतम पर पहुंच जाती है, यानी कि अब ये स्टेबल नहीं रह सकते, एक दूसरे के पास बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, इतने पास आ जाते हैं, तो अतिव्यापन वहीं रुक जाता है, और अतिव्यापन क्या होगा, वहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। इस अवस्था में दोनों परमाणुओं की नाभिकों में इतना अधिक आपसी प्रतिकर्षण होने लगता है कि वे और अधिक नजदीक नहीं आ सकते हैं, और अतिव्यापन और अधिक नहीं हो सकता है। यानी कि एक ऐसी कंडीशन आती है जिससे और अधिक पास वो नहीं आ सकते हैं, ठीक है। उनमें एक प्रतिकर्षण होने लगता है, बहुत ज़्यादा पास में आ जाते हैं तो फिर क्या लगने लगता है, उनके बीच में प्रतिकर्षण लगने लगता है, जिससे कि भी और ज़्यादा पास नहीं आ पाए, और यहाँ पर क्या हो जाता है, इसी तरह से बंध बन जाता है। इस प्रकार से जो हमारा एस एस ऑर्बिटल के अतिव्यापन से जो बंध बनता है उसे एस एस बंध बनाते हैं, उसे एस एस बंध बनाते हैं। और यदि इस प्रकार का अतिव्यापन दोनों परमाणुओं की नाभिकों को जोड़ने वाली रेखा या अक्ष के सममित होता है तथा जिसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बनने वाले बंध को सिग्मा बंध कहते हैं, ठीक है। सिग्मा बंध कितने इलेक्ट्रॉनों से बनता है, दो इलेक्ट्रॉनों से बनता है, ठीक है। इसे संकेत सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, जो कि हमारी ग्रीक भाषा का अक्षर है। दूसरा हमारा कह रहा है sp, एक s ऑर्बिटल होगा हमारा और दूसरा कैसा होगा, p ऑर्बिटल होगा। जब s और p ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करेंगे तो किस तरह से बॉन्ड बनेगा। sp ऑर्बिटल के अतिव्यापन से आणविक ऑर्बिटल सिग्मा बंध का बनना। चलिए हमने ले लिया, एक हमारे पास क्या है, s ऑर्बिटल है और दूसरा क्या है, p ऑर्बिटल के अतिव्यापन से भी सहसंयोजन बंध बनता है। सिग्मा और एस और पी ऑर्बिटल के आपस में अतिव्यापन से भी हमारा क्या हो जाता है, सिग्मा बंध का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त आणविक ऑर्बिटल को एस पी ऑर्बिटल कहते हैं, क्या कहते हैं, एस पी ऑर्बिटल। जो हमें नया ऑर्बिटल मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, एस और पी ऑर्बिटल, क्योंकि एक एस का ऑर्बिटल होगा, दूसरा किसका होगा, पी ऑर्बिटल होगा, ठीक है। ये आपस में अतिव्यापन कर जाएंगे। इस प्रकार के बंध का बनना HF अणु के बनने से समझाया जा सकता है, यानी कि इस तरह का जो बंध बनता है इसको हम कौन से मॉलिक्यूल से समझा सकते हैं, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड के अणु बनने से हम इसको समझा सकते हैं, ठीक है। एक हमने मान लिया किसका है, एक हाइड्रोजन का ये ऑर्बिटल है, ये किसका ऑर्बिटल है हमारा, फ्लोरीन का ऑर्बिटल है, किसका है, फ्लोरीन का ऑर्बिटल है। तो जो हमारा हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है वो कैसा होगा, 1s होगा, ठीक है। तथा फ्लोरीन का जो ऑर्बिटल, फ्लोरीन परमाणु में इसी प्रकार का अर्धपूरित पी ऑर्बिटल होता है। पी ऑर्बिटल की आकृति डमरू यानी कि डंबल की तरह होती है, जैसे आपने देखा होगा क्या नाम उसमें, जिम में इस तरह की आकृति बनी रहती है, इसको इसको हम कहते हैं डंबल शेप, ठीक है, डमरू जैसी होती है। अतः 1s ऑर्बिटल डमरू की दोनों पालियों में से किसी एक पाली का अतिव्यापन कर सकता है, प्याली नहीं सॉरी पाली लिखा हुआ है यहाँ पर, प्याली लिखी है, किसी एक पाली का अतिव्यापन कर HF के अणु की रचना करता है। इस प्रकार सिग्मा आणविक ऑर्बिटल बनेगा, कैसा बनेगा, सिग्मा आणविक ऑर्बिटल बनेगा। तो हमने मान लो यहाँ पर ले लिया, हमने हाइड्रोजन का ऑर्बिटल S, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमने क्या ले लिया, फ्लोरीन का ऑर्बिटल P, ठीक है, फ्लोरीन का ऑर्बिटल P ले लिया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्लोरीन के बाहरी कोष में, पांच, ये लो
चलो क्लोरीन का भर लो, कितना होता है 17, 2.8 कितने हो गए 10, और इधर कितने आ जाएंगे 7, यानी कि बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, तो इसके बाहरी कोश में कितने होंगे 7, लेकिन पी में कितने होते हैं 5, पी में कितने होंगे 5, क्लोरीन के भी और फ्लोरीन के, पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये पी ऑर्बिटल है, तो ये डमरू शेप आकृति है इसकी, और ये क्या हमारा एस ऑर्बिटल, ये जो एस ऑर्बिटल है ये पी ऑर्बिटल के चाहे एस पाली से अतिव्यापन कर जाए चाहे इस पाली से अतिव्यापन कर जाए, ठीक है, दोनों पालियों में से किसी किसी भी पाली से अतिव्यापन करने के लिए जो एस ऑर्बिटल है हमारा वो स्वतंत्र है। तो मान लो हमने एक बार ये इस वाले पाली से अतिव्यापन कर गया, ये हमारा एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है फ्लोरीन का, ये हाइड्रोजन का, तो ये इस वाले पाली से अतिव्यापन कर गया, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर जो बंध बनेगा, ये एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, दूसरा किसका आएगा इसका फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे एक बंध बना लेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे सिग्मा बंध, ठीक है, और ये जो पूरी ओवरलैपिंग होगी इसे हम क्या कहेंगे एस पी ओवरलैपिंग, ये एस है और ये क्या हमारा पी है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे एस पी ओवरलैपिंग। अब देखो यहाँ पर ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये लिखा है नोडल प्लेन, तो नोडल प्लेन वह जगह होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता बहुत कम होती है, यानी कि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होगी, इलेक्ट्रॉन ना के बराबर होंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा एस ऑर्बिटल बॉन्ड, क्या कहलाएगा एस ऑर्बिटल बॉन्ड, ये किससे मिलके बनेगा एस और पी ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल से मिलके बनेगा। चलिए इसके लिए इतना ही बहुत है, तो इस प्रकार से जो बंध बनता है उसको हम क्या कहते हैं सिग्मा बंध कहते हैं, जैसे कि ऊपर चित्र में आपने अभी देखा था। थर्ड है हमारा पी पी, अब दोनों ऑर्बिटल जो होंगे वो हमारे किसके होंगे पी होंगे, ठीक है, पी ऑर्बिटल दोनों आपस में किस तरह से अतिव्यापन करके कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पी पी ऑर्बिटल की अतिव्यापन से आणविक ऑर्बिटलों का बनना, जब पी पी ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करेंगे, ये दो कंडीशन होती है इनके अतिव्यापन करने की, उनको हम देखेंगे, ठीक है। चलिए कह रहा है जब विभिन्न परमाणुओं के दो पी ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, विभिन्न परमाणु हो सकते हैं सेम परमाणु हो सकते हैं, दोनों अलग अलग परमाणु होंगे, जैसे कि अगर हम बात करें हाँ फ्लोरीन ले लो, हाइड्रोजन लोगे तो इसमें एस परमाणु नहीं आएगा, ठीक है, तो कोई ऐसा परमाणु होगा जिसमें कैसे होंगे दोनों हमारे पी ऑर्बिटल होंगे, एक ये ये हमारा एटम होगा, दूसरा एटम कौन सा होगा जिसमें पी ऑर्बिटल होगा, तो दोनों दो विभिन्न परमाणुओं के पी ऑर्बिटल एक दूसरे का अतिव्यापन करते हैं तो पी पी आण्विक ऑर्बिटल बनता है, क्या बनता है पी पी आण्विक ऑर्बिटल बनता है, ठीक है, अभी हम यहाँ पर देखेंगे पी पी ऑर्बिटल का अतिव्यापन दो प्रकार से होता है, कितनी तरह से हो सकता है दो प्रकार से हो सकता है, या तो पहला क्या होगा कह रहा सम्मुख अतिव्यापन, इस प्रकार के अतिव्यापन में दो पी ऑर्बिटल अपनी पालियों के सिरों को एक दूसरे की ओर अतिव्यापन करते हैं, ठीक है, सम्मुख अतिव्यापन मतलब दोनों क्या होंगे एक दूसरे के बिल्कुल सामने से आएंगे, उसको उसको हम कहते हैं सम्मुख अतिव्यापन, ठीक है, ये हमारा पी ऑर्बिटल का पहला लोब होगा, ये दूसरा लोब होगा दूसरे पी ऑर्बिटल का, तो ये दोनों इस तरह से आएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे सम्मुख अतिव्यापन, ठीक है, ये हमारा सॉरी कहाँ गया, ये हमने मान लिया पी और ये हमारा दूसरा पी ऑर्बिटल, तो ये दोनों आपस में अटैक कर जाएंगे सामने से, उसी को हम कहते हैं सम्मुख अतिव्यापन, ठीक है, तो इस प्रकार के अतिव्यापन में आण्विक ऑर्बिटल दोनों नाभिकों को मिलाने वाली अक्ष, दोनों नाभिकों को मिलाने वाली अक्ष सममित होती है, ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं पी पी कहते हैं, और ये जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा हमारा सिग्मा, इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, आण्विक ऑर्बिटल कहते हैं, तथा इस प्रकार के बने बंध को हम क्या कहेंगे सिग्मा बंध कहेंगे, देखो ऊपर दर्शाया गया है, तो पी पी ऑर्बिटल हमारे दो प्रकार से अतिव्यापन करते हैं, पहले हमने क्या पढ़ा था सम्मुख अतिव्यापन, क्या है ये सम्मुख अतिव्यापन मतलब आमने सामने से उनमें टक्कर हो जाएगी, ये हमने ले लिया पहला पी ऑर्बिटल, ठीक है, किसी एक परमाणु का ये पी ऑर्बिटल है जिसे हमने क्या लिखा है पी एक्स, ये दूसरे परमाणु का पी ऑर्बिटल है जो कि हमारा है पी एक्स, ठीक है, अब ये दोनों पी एक्स आपस में क्या करना है इनका अतिव्यापन करना है, ये वाला सीधे इससे अतिव्यापन कर जाएगा, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सम्मुख अतिव्यापन, ये अब इसका मान लो इसमें पी में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाएंगे इन दोनों के सेंटर में आ जाएंगे, और जो बंध बनेगा हमारा वो कैसा बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड, क्या बनेगा यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा, ठीक है, और नीचे दे रखा है ये यहाँ पर क्या है नोडल प्लेन है, मान लो ये इसका जब ये वाला लोब इससे अट्रैक्ट करेगा अतिव्यापन करेगा तो ये कंडीशन बनेगी, और इधर ये दूसरा
दूसरा जब अतिव्यापन करेगा तो कंडीशन ये बनेगी, इनके बीच में आपको लिखा दिख रहा है नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता है? नोडल प्लेन वह जगह होती है जहां पर किसी भी ऑर्बिटल में या किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना बहुत कम होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ना के बराबर होते हैं, उसी को हम कहते हैं नोडल प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे और इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे, तो इसके बीच में ये कैसा बन जाएगा हमारा सिग्मा बॉन्ड। क्या बन जाएगा? सिग्मा बॉन्ड कब? जब सम्मुख अतिव्यापन होगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? पार्श्वीय अतिव्यापन, इसको हम कहते हैं साइड वाइज। क्या कहते हैं? साइड वाइज, यानी कि दोनों आएंगे तो एक साइड ये और एक साइड ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, इस तरह के अतिव्यापन को हम कहते हैं पार्श्वी। क्या कहते हैं? साइड वाइज पार्श्वीय अतिव्यापन या साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, इसमें भी दो पी ऑर्बिटल होंगे जो कि नीचे चित्र में दिखाया गया है, इसके अनुसार पार्श्वीय ढंग से अतिव्यापन करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होंगे? एक पी ऑर्बिटल ये है हमारे पास, पहले हमने देखा था सम्मुख अतिव्यापन था तो उसमें हमने दोनों को क्या कर लिया था? खड़े पड़ी पोजीशन में ले लिया था। यहाँ पर हमें क्या करना है? साइड वाइज अतिव्यापन करना है, तो हमने दोनों को खड़ी पोजीशन में ले लिया। ये अपने आप को खुद इस प्रकार इस ढंग से व्यवस्थित कर लेते हैं कि इनमें इसी तरह का ओवरलैपिंग हो, साइड वाइज हो। कब? जब इनके दोनों दो कक्षक खाली होते हैं। पी ऑर्बिटल में मान लो दो इलेक्ट्रॉन आने की जगह है या दो ऑर्बिटल इसमें खाली है। ठीक है, एक में इलेक्ट्रॉन ये दो, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन आने की संभावना है, तो ये हमारा पी एक्स ऑर्बिटल मान लो, दो पी जेड ऑर्बिटल है। ठीक है, ये पी जेड है हमारा और ये भी क्या हमारा पी जेड ऑर्बिटल है, तो इसका इसका जो लोब होगा वो इसके लोब से अतिव्यापन करेगा और इस वाले का लोब इसके लोब से अतिव्यापन करेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे से अतिव्यापन करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो एक बंदा आपका यहाँ पर बन जाएगा और दूसरा बंदा आपका कहाँ बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा। तो हम दो बंदों को क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं दो बंदों को? पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा हमारा? पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, ये दो इलेक्ट्रॉनों के मिलने से ये बन जाएगा और नीचे वाले दो इलेक्ट्रॉनों के मिलने से ये बॉन्ड बन जाएगा। बीच में जो लाइन आपको दिखाई दे रही है नोडल तल, क्या है? नोडल प्लेन या नोडल तल। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे। ठीक है, ये जो पोजिशन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ना के बराबर पाए जाते हैं, इसी को हम कहते हैं नोडल प्लेन। यहाँ पर देखो ए पी लिखा हुआ है, ये गलत है। यहाँ पर क्या होगा? पी पी ऑर्बिटल होंगे। क्या होंगे? पी पी ऑर्बिटल। तो दो पी जेड ऑर्बिटल हमने ले लिए, एक ये एक ये। ठीक है, ये अतिव्यापन कर गए, पी पी पार्श्वीय अतिव्यापन, पार्श्वीय अतिव्यापन हो गया इनमें। ठीक है, साइड वाइज जैसे कहते हैं कोई, ये मतलब दोनों लोग आपस में एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएंगे, तो यहाँ पर जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो कैसा होगा हमारा? पाई बॉन्ड होगा। अच्छा बस, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। सारे वीडियोस देखते रहिए, जितना भी आपका बीएससी पार्ट वन फर्स्ट सेमेस्टर में जितना भी इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री फंडामेंटल से, वो सब हम यहाँ पर कवर कराएंगे। ठीक है, तो आपको इससे बाहर, मेरे ख्याल से इससे बाहर नहीं आएगा, और आप अगर इनको तैयार कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।